है श्रीनगर की फेमस डल लेक। श्रीनगर का मेन अट्रैक्शन है ये डल लेक, जहाँ पर आपको दिख जाएंगे बहुत सारे शिकारे और हाउस बोट्स। ये हाउस बोट्स आपको होटल रूम से ज़्यादा लग्जूरियस रूम्स प्रोवाइड करती हैं, अगर आप लग्जूरियस हाउस बोट्स लेना प्रेफर करते हैं, और साथ ही साथ आप शिकारा राइड करके पूरा डल लेक घूम सकते हैं। डल लेक काफ़ी बड़ा है, तो आप पीछे तक जा सकते हैं और वहाँ इंजॉय कर सकते हैं। और अब ये है हमारा हाउस बोट सी हॉक। अभी मैं आपको देने वाली हूँ अंदर से एक पूरा टूर कि हमारा हाउस बोट कैसा था। देखने में तो ये बहुत ही सुंदर था, और अंदर से आप देखिए कितनी ग्रीनरी है, और ये पीछे एक फैमिली रहती है यहाँ पे, और इधर हम लोग रह रहे थे। और ये देखिए कितना अच्छा वर्क इन्होंने वुड पे किया हुआ है, और हमें यहाँ पे ऐसे शूज़ निकाल के अंदर जाना होता है। तो यहाँ से देखिए पहले कितना अच्छा नज़ारा है, और सामने ही देखिए दो शिकारा राइड हो रही है। आप जब चाहें शिकारा राइड बुक करके डल लेक का नज़ारा ले सकते हैं। कश्मीर की सुंदर वादियाँ हो, डल लेक के सुंदर नज़ारे, सृष्टि की अद्भुत छटा यहाँ पर, मन होता है कुछ कविता करने, तो चंद पंक्तियाँ आपके समक्ष प्रस्तुत करती। चाह दिल में थी एक दिन कश्मीर घूम कर आए, स्वप्न सच हो गया आज यहाँ हम घूमने आए। हिमालय पर्वत श्रृंखला के शीर्ष में स्थित कश्मीर, बाबा के दर्शन को जाते अमरनाथ गुफा देव, अद्भुत सौंदर्य छटा निराली, बड़े बड़े चीर देवदार आंखें भर भर कर देखे छाई नैसर्गिक छटा अपार। कहवा पीकर आराम मिला पहलगाम जाकर, अकड़ दिखा रही ठंड कश्मीर की हमको यहाँ बुलाकर, दिव्य दृश्य बर्फ गिरी के और अप्रत्याशित जल वृष्टि, नैना विराम बेताब घाटी की कल कल बहती नदियाँ, डल झील में हो सैर सपाटे चले शिकारे और कश्तियाँ, डल झील में हो सैर सपाटे चले शिकारे और कश्तियाँ, सूर्य रश्मियों से दमकते शिखर, पाइन पेड़ों से घिरा सोन पर, मन हर जाता शालीमार बाग शान बगाड़ता गुलमर्ग, उत्तम हस्त शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध यहाँ की कारीगरी, शॉल केसर कालीन सेब ने अर्थव्यवस्था है संभाली, समृद्ध संस्कृति कश्मीर की विश्व को करती आकर्षित, कहते धरती का स्वर्ग से अपार शोभा से सभी अचंभित, स्वर्ग से सुंदर कश्मीर की अद्भुत छटा करती विस्मित, अद्भुत छटा करती विस्मित। कश्मीर की इतनी सुंदर व्याख्या सुन के इन ब्यूटीफुली डेकोरेटेड हाउस बोट्स में रहने का मन किसका नहीं करेगा। ये हमारी हाउस बोट है जिसका वुडन इंटीरियर तो आप देख ही रहे हैं कि कितना सुंदर है, और जैसे एक होटल में सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, उसी तरह इस हाउस बोट में भी सब कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड थी। इन ट्रेडिशनल कश्मीरी हाउस बोट का एक्सपीरियंस अपने आप में बहुत ही यूनिक और रिलैक्सिंग एकोमोडेशन प्रोवाइड करता है। In fact, you can experience the beauty of Dal Lake and the culture of this enchanting Kashmir valley. Houseboats provides you a royal charm in Kashmir. The living room of our houseboat has comfortable sofas, a coffee table and a television. Mere experience mein the entire houseboat was well kept and the washroom was also neat and clean. And now it's time for शिकारा राइड। तो हमने दो शिकारा राइड्स की, एक तो हमने की दोपहर में जो कि बहुत ही रिलैक्सिंग और सूदिंग थी, क्योंकि थोड़ा सा सनी वेदर था इसीलिए बहुत ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर पाए, इसलिए हमने शाम को फिर से ठंडे मौसम में एक शिकारा राइड और की। मैंने यहाँ पर कश्मीरी ट्रेडिशनल ड्रेस भी पहनी, और फिर ये पहन के बहुत सारे फोटोज एंड वीडियोस भी क्लिक कराए। डल लेक की खूबसूरती डल लेक में चलने वाली ये शिकारा और भी ज्यादा खूबसूरती से दिखा पाते हैं, और हम भी अपने शिकारा में बैठ के पूरा डल लेक घूम रहे थे।
और ये है डल लेक में बना हुआ एक पुराना घर जो अभी एक खंडर की तरह था। इसके इधर उधर अगर आप देखेंगे तो कमल के फूल की पत्तियाँ अभी भी आपको दिखेंगी। कमल की सीज़न में कमल का फूल इस पत्तियों पे आपको देखने को मिल सकता है। कितने में बनती है ये बोट? ये तो बोट अभी के टाइम में बहुत महंगा बनेगी। जिस टाइम ये बनाया होगा ना उस टाइम ये यही समझो 10-12 लाख के में जितना होगा। और अब आप देखेंगे 1985 में बनी हुई ये हाउस बोट। कहते हैं कि इनकी उम्र इंसानों से भी ज़्यादा होती है, इनफैक्ट ये 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। शाम के शिकारा राइड में मौसम बहुत ही सुहाना लगता है और हमने क्योंकि आगे से देख ही लिया था डल लेक के नज़ारे, तो अभी हम आए हैं डल लेक के फ्लोटिंग मार्केट में। जैसे स्विट्ज़रलैंड की स्नो आप कश्मीर के गुलमर्ग में देख सकते हैं, वैसे ही थाईलैंड के जैसे फ्लोटिंग मार्केट्स आपको श्रीनगर के डल लेक में देखने को मिलते हैं। इस मार्केट में कश्मीरी हैंडवर्क के कपड़े तो मिलते ही हैं और साथ ही यहाँ हर दिन कश्मीरी किसान अपनी नाव के ज़रिए सब्जी बेचने के लिए आते हैं। और इस मार्केट में सबसे अधिक मांग वाली फसल है कश्मीरी कमल की जड़ और तना जो पानी की सतह के नीचे उगती है। और यहाँ की यही जीवन शैली कश्मीरी लाइफस्टाइल को और यहाँ के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। वैसे तो कश्मीर में बहुत से पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस रहे हैं, लेकिन हमारा ये शिकारा राइड श्रीनगर में डल लेक में बहुत ही पीसफुल रहा और हमने बहुत एंजॉय किया इनक्रेडिबल माउंटेन रेंजेस को, उसके व्यूज को। बीच बीच में आइलैंड्स बने हुए हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, यहाँ पे कम से कम 1 लाख की आबादी है डल लेक के अंदर। सनसेट के बाद इन हाउस बोट्स में 4 चांद लग जाते हैं जब ये रोशनी से जगमगाने लगती है। और इसी के साथ हमारा डल लेक में हाउस बोट का सफर खत्म होता है और अगली सुबह हम पहुंचते हैं आदि शंकराचार्य टेंपल। ये मंदिर लगभग 200 साल पुराना है जहां जगत गुरु शंकराचार्य अपनी भारत यात्रा के दौरान आए थे। उनका साधना स्थल आज भी यहां बना हुआ है। भगवान शिव इस मंदिर के मुख्य देवता हैं जिन्हें गर्भगृह में शिवलिंग के रूप में दर्शाया गया है। और ऐसा माना जाता है कि ऐतिहासिक रूप से इसे कश्मीर का सबसे पुराना मंदिर कहते हैं। मंदिर तक का सफ़र तय करने के लिए 244 सीढ़ियाँ चढ़कर जाना होता है और ये मंदिर श्रीनगर के गोपाद्री हिल पर बना हुआ है। मंदिर की ऊंचाई से शहर की प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव भी किया जा सकता है। प्रकृति की गोद में बसे हुए इस अनूठे मंदिर को देखने लोग दूर दूर से आते हैं। यहाँ की ऊंचाई से श्रीनगर की बसावट बेहद सुंदर लगती है और आप यहाँ से डल झील और झेलम नदी के नज़ारे भी ले सकते हैं। एंड देन एट नाइट वी केम बैक टू आवर हाउस बोट, एंजॉयड सम क्वालिटी टाइम, एट सम स्नैक्स एंड एंजॉयड द व्यू ऑफ डल लेक। इन माई ओपिनियन लिविंग ऑन अ हाउस बोट एक्सपीरियंस इज फिनोमिनल। आई मीन व्हाट अ रॉयल एक्सपीरियंस। लुक एट द ब्यूटिफुल इंटीरियर इट हैज। इट गिव्स यू सच अ गुड वाइब दैट यू वॉन्ट टू सिट हियर फॉर लॉन्ग आवर्स एंड स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद योर लव्ड वंस। May God bless you. Happy birthday, dear Nikita. Happy birthday to you. This was the last day of our Kashmir trip. At the last day of our visit to Kashmir, we visited all the famous gardens in Kashmir, which is Chashme Shahi Garden, Pari Mahal, Shalimar Bagh and Nishat Bagh. Thank you for watching. If you like the video, please feel free to like, share, subscribe and comment below.